अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती और 68,500 शिक्षक भर्ती के लेटेस्ट अपडेट्स क्या है। तो दोस्तों आज आपकी तारीख हो चुकी है 7 दिसंबर 2019 के हम बड़ी अपडेट्स देखने वाले हैं। और सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। जी हाँ दोस्तों, इसको काफी कल से आप काफी बार सुने होंगे। तो दोस्तों इसका हिंदी में मतलब क्या होता है, इसको हम देखेंगे। और दोस्तों बात करेंगे सबसे पहले आज की जो कुछ बड़ी खबरें होंगी कि कब तक ऑर्डर जारी होगा 68,500 शिक्षक भर्ती का। काफी बच्चों के अंदर डाउट्स आ रहे हैं, सवाल आ रहे हैं, बस एक एक दिन का और इंतजार दोस्तों अगली सुनवाई के लिए। जी हाँ दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती का अगली सुनवाई आपको पता है 9 दिसंबर से शुरू हो रही है। जी हाँ, दोपहर 3:15 से लगातार। तो दोस्तों देखते हैं आगे क्या होगा। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे 40-45 पर कितने शिक्षा मित्र पास होंगे। दोस्तों ये देखिए, आप लोगों के सवाल आते हैं उसी को दोस्तों हम वीडियोस बनाते हैं। काफी बच्चे सोचते होंगे यार ये तो हमें पता है कि कितने भी शिक्षा मित्र पास हो सकते हैं, लेकिन बच्चों के और सवाल आते रहते हैं। और दोस्तों एक बड़ी अपडेट, बीएड 2005 की फर्जी मार्कशीट निरस्त हो चुकी है आगरा वीवी का बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, सूची सार्वजनिक कर, ठीक है, सार्वजनिक कर 15 दिन के अंदर अभ्यर्थी को पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। जी हां दोस्तों, सूची सार्वजनिक करके। तो उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे यूपी टेट 2076 केंद्रों पर कराने की तैयारी हो चुकी है। पीएनपी ने सूची एनआईसी को भेजी है। तो दोस्तों ये सब आज की बड़ी अपडेट्स हैं, सबको चलिए एक-एक करके बात करेंगे। देखिए होता क्या इसका मतलब, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड का मतलब होता है न्याय में देरी न्याय से वंचित है। इसकी हिंदी बस इतनी होती है, लेकिन दोस्तों इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक पुरानी लेकिन न्यायिक प्रणाली के गहरे क्षेत्रों को दर्शाती एक आंशिक सच्चाई। यदि न्याय समय पर प्रदान नहीं किया जाता है तो पीड़ित पक्ष को नुकसान हो सकता है और न्यायपालिका प्रणाली में उसके विश्वास को खो देता है और साथ ही उसका सकल उल्लंघन भी करता है मानवाधिकार। तो दोस्तों ये सब चीजें होती हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो पहले दोस्तों चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर दोस्तों मिलती रहे। और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर भी करिएगा। तो दोस्तों चलिए आप लोगों को कुछ सवाल देखते हैं। तो काफी बच्चों के सवाल थे कि जो आपने देखा होगा कि इस समय हो रहा है हैदराबाद में, हैदराबाद न्यूज काफी चल रही है और आपका उन्नाव केस मामला। देखिए दोस्तों बच्चों के सवाल क्या है, पुलिस को ऐसे ही इंसाफ देना चाहिए, जय श्री राम। जी हाँ दोस्तों, शिवम जी कहते हैं। फिर पवन जी क्या बोलते हैं, दोस्तों माता रानी की कृपा से ये भर्ती 40-45 पर ही होगी। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर 40-45 मार्च तक आते हैं, 60-65 आते हैं, सभी लोग आते हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिए 60-65 पर सुरेंद्र सिंह बोलते हैं कि 60-65 पर होगी। तो पवन त्रिपाठी जी बोलते हैं 40-45 पर होगी। तो दोस्तों सुरेश चंद्र मित्रा जी क्या सवाल उठाते हैं, आइए इनके सवाल को देखते हैं। पहले ये बोलते हैं क्या 60-65 अंक पाने वाले ही योग्य हैं, जिसमें अधिकतर नकल करके अच्छा पैसा देकर पास हुए हैं। तो दोस्तों एक ये बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं। और उसके बाद दोस्तों बोलते हैं वो तो योग्य हो गए, और जिनके पास पैसा कम है यानी आर्थिक स्थिति कमजोर है वो बेवकूफ हो गए। तो ऐसा दोस्तों सुरेश जी बोल रहे हैं। इस प्रकार तो जो टीचर पहले से नौकरी कर रहे हैं वो सभी अयोग्य हैं, अकॉर्डिंग 60-65 समर्थक। तो सरकार को ये चाहिए सबको हटाकर इनको ही नौकरी दे दे, वो चाहे शिक्षा मित्र हो या बीएड या बीटीसी, क्योंकि बस यही योग्य है, बाकी सब लोग अयोग्य हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सुरेश चंद्र जी एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं सरकार के सामने। जी हाँ दोस्तों, इनका भी सवाल बहुत ही जायज है कि देखिए दोस्तों अभी तक क्या होता था ना, आपको हम बता दें 68,500 शिक्षक भर्ती से पहले क्या नियम था, इसको भी आपको समझना पड़ेगा। जो बच्चे सिर्फ टीईटी का पेपर पास कर लेते थे, यूपी टेट या सीटेट, वो सीधे नौकरी के लिए एलिजिबल होते थे। मतलब आपका सुपर टेट तो पहले होता ही नहीं था। तो दोस्तों अगर सुपर टेट आने से बच्चे योग्य अयोग्य होने लगे हैं तो ये एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है। तो इनकी बात भी दोस्तों काफी हद तक जायज है। तो जो बच्चे इनको सपोर्ट करते हैं वो उस वीडियो को लाइक करेंगे, और जो नहीं करते हैं तो वो कमेंट करेंगे, डिसलाइक नहीं करना है, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे कमरेंद्र सिंह जी। सर अभी तो ये भी क्लियर नहीं कि ये भर्ती पूरी होगी या नहीं। देखिए कमेंद्र जी, ये शिक्षक भर्ती पूरी होगी ये तो हमें पता है, ये गारंटीड है दोस्तों, लिख कर ले लीजिए आप लोग आज नहीं तो कल। जी हाँ दोस्तों कल, अब ये दोस्तों हम नहीं कह सकते कल आपका कितना लंबा होगा, कल हो सकता है कि 2020 में अब शुरुआत होगा नौकरी का। अब देखिए 2020 से पहले आपको नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाएगा, ये बात आपको समझ लेनी है। अब देखिए आज 7 तारीख हो चुकी है, 7 दिसंबर, ठीक है, ये बात आप समझ चुके हैं, 7 तारीख हो गई। अगर ऑर्डर रिजर्व भी होता है तो जो भी आपका ऑर्डर रिजर्व किया जाता है लगभग 1 महीने के बाद ही दोस्तों वो जारी होता है। तो 1 महीने से कम समय में तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो आप समझ रहे हैं कि 2020 से पहले नियुक्ति पत्र हाथ में आना लगभग असंभव है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर स्वाति जी का क्वेश्चन आता था कि सर 40-45 कटा पर कितने शिक्षा मित्र पास होंगे। तो बच्चों को देखिए दोस्तों सवाल आते रहते हैं। फिर राजेश जी का आता है उन्नाव केस में भी योगी जी को पुलिस को यही करना चाहिए ताकि
जैसे लोगों का मन में भय पैदा हो सके। देखिए दोस्त, उन्नाव वाला मामला बहुत ही गंभीर है क्योंकि इसमें दोस्त एक जिंदा लड़की को जलाया जाता है और काफी दोस्त ये गलत बात है, तो सरकार को भी दोस्तों इस समय स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, कुछ मामले तो बहुत ही ज्यादा गंभीर होते हैं। अब बच्चे चलिए यहाँ पर 1 साल इंतजार कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों सोचिए कि अगर आप किसी के साथ ऐसा करें जो कि दोस्तों बिल्कुल भी गलत है, कि मतलब आज के दिन दोस्तों हो क्या रहा है ना, जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है, जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है, नौकरी नहीं आ नहीं रही है, सब बच्चे परेशान हैं, बेरोजगारी का आलम बढ़ता जा रहा है पर डे। दोस्तों आप सोचिए 69,000 शिक्षक भर्ती 1 साल से डीलेड चल रही है। आपको बता दें 2017 बैच बीएटीसी या डीएलएड का बीएड के नए बैच आ चुके हैं आपके सामने। जी हाँ दोस्तों, बस उनका सबका सेशन कंप्लीट हो चुका है, अब वो भी आपके साथ कतार में खड़े हो गए। आपको तो चलिए आज नहीं तो कल नौकरी मिलेगी, उनका क्या होगा? मतलब दोस्तों हर साल लाखों बच्चे निकल कर आएंगे, उनको नौकरी देगा कौन जब नौकरी ही नहीं आएगी? तो दोस्तों ये ऐसे सरकार बहुत से क्वेश्चन खड़े होते हैं यहाँ पर अब, कि अब क्या होगा आने वाले समय में। देखिए शिक्षा मित्र दोस्तों जो 40-45 कट ऑफ पर पास हो सकते हैं, कम से कम ये 30,000 शिक्षा मित्रों की तादाद हो सकती है, क्योंकि आपका जो कट ऑफ में नंबर चेंजेस होगा दोस्तों वो सीधे 30 अंकों का चेंजेस होगा, ये आपको बात पता है ना। अब दोस्तों देखिए सबसे जीता जाता उदाहरण ये है कि बीएड 2005 ये फर्जी मार्कशीट निरस्त, अब ये फर्जी बन कैसे गई ये सोचिए आप लोग ना। अब इन कॉलेज वालों को कोई जाकर नहीं पकड़ता, इनके कॉलर पकड़ने चाहिए, आपने कैसे फर्जी बना दिया। अब बताइए दोस्तों नुकसान किसको होगा? उन बच्चों को होगा, अब उनको क्या पता था कि फर्जी है कि कैसा है। पहले पूरी अपडेट को दोस्तों देखते हैं हम लोग कि यार बीएड वालों साथ जो बच्चों ने कर रखा 2005 में, आज 2019 चल रहा है, अब बताइए 14 से साल बाद इनको पता चल रहा है कि फर्जी है कि क्या है। बस 1 हफ्ते बाद या मतलब लगभग कुछ ही दिन के बाद दोस्तों 2-3 हफ्ते के बाद आपका नया साल आ जाएगा, मतलब 2020। तो मतलब 15 साल दोस्तों, 15 साल तक आपको ये नहीं पता चलता कि आपकी मार्कशीट फर्जी है कि क्या है। दिक्कत उनके होगी जिनको नौकरी लग चुकी है, और हो सकता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में भी दोस्तों हो सकता है बीएड 2005 से कुछ छात्र हो जो कि आगरा से आते हो। पढ़ते हैं पूरा मामला पहले। डॉक्टर भीमराव, ठीक है, भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय की बीएड सत्र 2004-05 की फर्जी एवं टेम्पर्ड अंक तालिका निरस्त की जाएंगी, यह निर्णय शुक्रवार को विश्वविद्यालय के अतिथि गृह में हुई कार्य परिषद की बैठक में लिया गया। अंक तालिका निरस्त करने से पहले अभ्यर्थियों को अपना पक्ष रखने का एक मौका दिया जाएगा, ठीक है ना, उनके पास 15 दिन का समय है। देखिए दोस्तों इस वीडियो को इसलिए हम कह रहे हैं शेयर कर दीजिए कि यार इन बच्चों के पास सिर्फ 15 दिन का समय है, अगर ये 15 दिन में दोस्तों इनको पता नहीं चलता तो समझ लीजिए सब कुछ इनका बंटाधार है। यह सूची विशेष अनुसंधान दल एसईआईटी ने लंबी जांच पड़ताल के बाद दी थी। कुलपति डॉक्टर अरविंद कुमार दीक्षित अध्यक्षता में हुई कार्य परिषद बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सबसे पहले एसआईईटी, ठीक है दोस्तों, से फर्जी व टेम्पर्ड अंक तालिकाओं की अंतिम सूची प्राप्त की जाए। एसआईईटी के पहली सूची में 4,570 रोल नंबर थे, इसके बाद दोस्तों संशोधित सूची में इसके रोल नंबर 4,704 हो गए। इस कारण से अंतिम सूची मांगी गई है, जिन अभ्यर्थियों के पते उपलब्ध है उनको डाक से पत्र भेजकर अवगत कराया जाएगा, उनका पक्ष पूछा जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आपसे पक्ष लिया जा रहा है कि भाई क्या दिक्कत थी। इसके अलावा सभी चिन्हित अभ्यर्थियों की सूची विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर डाल दी जाएगी, 2 समाचार पत्रों में विज्ञापन भी दिया जाएगा, अभ्यर्थियों से कहा जाएगा कि वह सूची देखकर 15 दिन के अंदर अपना पक्ष विश्वविद्यालय के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। अभ्यर्थियों के सामने न आने पर एसआईईटी की सूची को सही मानते हुए संबंधित अंक तालिकाओं को निरस्त कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये सब देखिए कितनी बड़ी अपडेट होती है यार, कि कोई गलती नहीं बच्चों की। देखिए दोस्तों यहाँ पर सवाल क्या खड़ा होता है, दोषी कॉलेजों पर कार्रवाई कब होगी, इन कॉलेजों को दोस्तों कार्रवाई कब? जी हाँ दोस्तों, यह पूरा खेल 80 कॉलेजों ने मैनेजमेंट कोटा बढ़ाकर किया, इनमें आगरा के 17 के अलावा फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, मथुरा के कॉलेजों में भी हैं। सवाल उठ रहे हैं कि इन पर कार्रवाई कब होगी। जी हाँ दोस्तों, कहने का मतलब यही कि एक कार्रवाई हम उन्हीं पर कर पाते हैं जो गरीब होते हैं, जो कमजोर होते हैं, जिनके पास ताकत है, जिनके पास पावर है दोस्तों, उनके साथ हम कुछ नहीं कर पाते हैं। देखिए दोस्तों हमारा सवाल सीधे पावर से होना चाहिए, ना कि उनसे होना चाहिए कि अब ये क्या कर पाएंगे। देखिए इन्होंने निरस्त किया दोस्तों, ये सब चीज अगर तुरंत हो जाए, अगर आप आपने 2019 में बीटीसी बीएड कुछ भी कर रखा है, अगर आपको दोस्तों निरस्त करना है तो 2020 तक फाइनल कर दीजिए ना। पता चले 2019 का बीटीसी करे हुए 10 साल नौकरी कर ले, फिर दोस्तों 2029 में या 2030 में हमें पता चलेगा कि हमारा बीटीसी फर्जी निकला, बीएड फर्जी निकला, तो अब हम क्या करेंगे, ना घर के ना घाट के। तो दोस्तों जिसमें अगर दे दी हो तो उसको भूल जाना ही बेटर होता है। अब दोस्तों देखेंगे क्या होता है, होगा क्या दोस्तों। देखिए विश्वविद्यालय के इस फैसले से प्रदेश भर में 1241 प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक बर्खास्त हो सकते हैं, इनमें से 241 आगरा के हैं, 1000 अन्य जिलों के हैं। बेसिक शिक्षा विभाग ने लगभग 2500 शिक्षक चिन्हित किए थे,
इनमें से 1241 अब तक कार्रवाई से बचे हैं। आगरा में BSL दफ्तर में आग लगाने के कारण बर्खास्तगी प्रक्रिया रुकी है। जी हाँ दोस्तों, कोई पागल है क्या यार? बताओ, 1241 टीचर को और नौकरी ले लेंगे। नौकरी देने की तो बात हो नहीं रही। गलती देखिए लड़कों की नहीं है, सिंपल सी बात आपको समझना, गलती आपने नहीं की है, गलती इन कॉलेजों ने की है जिनको पहले जेल में डाल देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अब गलती कॉलेज करे फंसे आप। मतलब यार इन्होंने तो पढ़ाई की ना। अगर आप दोस्तों कभी किसी कॉलेज में जाते हैं, अभी आपने दोस्तों एक देखा होगा NIOS DLED वाला मैटर, 2 साल बाद अमान्य, क्या क्या मैटर चल रहा था। ये DLED आपका बिहार वाला था, तो इसमें भी दोस्तों काफी मैटर्स हुए हैं। पहले तो दोस्तों इस कोर्स को इन्होंने 18 महीने का कर दिया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बोलते नहीं भाई, जो 2 साल वाला कोर्स करेगा वही वैलिड है। मतलब आपको पता है ना BTC 2 साल का होता है, या BTC के नाम अब DLED हो चुका है, तो वही चीज है। 6 महीने कम करने से दोस्तों इनकी योग्यता खत्म हो जाती है। तो यही चीज दोस्तों होता है कि आप जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिए। किसी भी कॉलेज में आपको दाखिला लेना, कुछ भी लेना, उसको आप सही से समझिए। अब देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। देखिए आग अभी जो आपका हैदराबाद वाला मैटर हुआ, इससे लोग खुश क्यों हुए? खुशी दोस्तों इसलिए सबको सामने आई कि यार उसको न्याय मिला। दोस्तों उसको न्याय, आपको पता है कि जैसे हमने दोस्तों आपको कल बताया, अपडेट दिया था कि 2004 के बाद आज तक एक भी फांसी नहीं हुई है रेप केस में। जी हाँ दोस्तों, कितना लंबा समय बीत गया, 15 साल से दोस्तों इतने रेपिस्ट, 2 लाख से अधिक रेप केस में रेपिस्ट दोस्तों बंद है जेल में या घूम रहे हैं। आपको पता ही होगा उन्नाव वाला मैटर, जेल में जाता बंदा छूट जाता है फिर आके आग लगा देता है। ये दोस्तों होती है हिम्मत अपने देश में। तो ये सब चीज से बचना चाहिए। देखिए अब इतने BEd के छात्रों की और नौकरी जाएगी, मतलब इनकी किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं है, लेकिन इनको अपनी नौकरी से इस्तीफा या इनका त्याग पत्र जबरदस्ती ले लेगी सरकार, क्योंकि इनके पास पावर है। तो दोस्तों देखते आने वाले टाइम में क्या होगा। और दोस्तों बात होगी कि कब तक ऑर्डर जारी होगा 68,500 शिक्षक भर्ती का, तो इसमें समय लगेगा दोस्तों, हम आपको बता दें। अभी इसमें आपको टाइम देना पड़ेगा तकरीबन 1 महीने का। तो उम्मीद करिए दोस्तों कि दिसंबर लास्ट तक, ठीक है, दिसंबर 2019 के लास्ट तक, या दोस्तों जनवरी 1 वीक तक आपका ऑर्डर जारी हो सकता है। तो दोस्तों बस 69,000 शिक्षक भर्ती की सुनवाई शुरू होने वाली है। अब दोस्तों देखेंगे, देखिए अगर आपका शिक्षा मित्र का पक्ष अगर BEd मुद्दे को लेकर बात करता है, तो आप समझ जाइएगा कि भाई ये शिक्षक भर्ती को उलझाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि BEd से कुछ नहीं होने वाला, इनको जीत सिर्फ फाइनल कटआउट पर चाहिए। अगर कल को BEd बाहर हो जाता है, अगर 60-65 की जीत होती है, क्या शिक्षा मित्रों को 1% का फायदा होगा? जी नहीं, रत्ती भर फायदा नहीं होगा। इनको फायदा तभी होगा जब कट ऑफ 40-45 होगी, उससे BEd का कोई लेना देना नहीं है। ये बात आपको समझना दोस्तों, हमने पहले बोला कि ये घूम फिर कर आ जाएंगे 40-45 पर, लेकिन दोस्तों अभी तक यार आपने देखा होगा जो भी शिक्षा मित्र का पक्ष है जो 40-45 बोल रहे हैं कि इस पर ही शिक्षक भर्ती होगी। तो दोस्तों आपको भी सवाल अपने पावर से पूछना चाहिए या अपने हेड से पूछना चाहिए, जो भी आपकी टीम को लीड कर रहे हैं, कि यार अब 40-45 पर भी तो बात की जाए ना। 60% ने दोस्तों जो सबमिशन कंप्लीट किया, देखिए उन्होंने सिर्फ कट ऑफ मुद्दे पर ही अपना सबमिशन कंप्लीट किया। जज साहब ने भी काफी बार टोकने की कोशिश की कि भाई यही आपका फाइनल सबमिशन है कि BEd को इलिजिबल नहीं है, BEd बाहर होना चाहिए। तो चलिए ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। काफी वीडियोस बड़ी हो चुकी है अभी भी वैसे भी, तो ठीक है। तो अपने दोस्तों को बता दीजिए यार BEd वाला जो है, तो एक बार बच्चे वहां चले जाएंगे तो सही रहेगा, एक मौका उन्हें मिल सकता है अभी, ठीक है ना? तो ठीक है दोस्तों, और यूपी टेट का आपका तो चल ही रहा है, तो CTET का जिन बच्चों को कल पेपर है, तो सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट, पेपर अच्छा दीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में नए शिक्षक भर्ती में 1/4 वाला रूल लागू हो सकता है, तो उसको ध्यान में रखकर पेपर अच्छा करने की कोशिश करिएगा। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड और ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहिए। और 69,000 पर दोस्तों बस यही है, अभी समय लगेगा यार, अभी कुछ हो नहीं रहा है, तो अभी आपको टाइम देना पड़ेगा। आप ये मत सोचिएगा कि 1 हफ्ते में 2 दिन में केस फाइनल होगा, ये दोस्तों सब कुछ 9 दिसंबर 2019 को पता चल जाएगा, मतलब परसों, ठीक है ना, कि भाई केस को कितने दिन में फाइनल होगा। जी हाँ दोस्तों, फाइनल का स्टेटस आपको 1 दिन बाद आपको पता चलेगा, क्योंकि दोस्तों अगर कट ऑफ मुद्दे पर बात होगी तो समझ लीजिए केस फाइनल होने वाला है। अगर कट ऑफ मुद्दे पर बात नहीं होती तो बस आप लोग कैलेंडर होता है ना दोस्तों, कैलेंडर को देखते रहिए, एक और डेट मिलेगी, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख चलता रहेगा। मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।